राजीव नगर SHO पी मधुगौड़ स्वामी ने एक और कदम बढ़ाकर रोड़ी शीटरों के लिए राहत की बात कही। उन्होंने आज सारे रोड़ी शीटरों को बुलाकर एक काउंसलिंग की। उन्होंने कहा कि अगर तुम लोग अच्छी जिंदगी गुजरना चाहते हो तो एक भी शिकायत नहीं आनी चाहिए, उसके बाद पुलिस सोचेगी कि जल्द से जल्द इनकी रोड़ी शीट क्लोज करे। मगर मधुकर स्वामी जो सपना देख रहे हैं, ये क्या पूरा होगा? अगर पूरा होगा तो हमें भी उम्मीद है कि ये लोग एक अच्छी जिंदगी गुजार सकेंगे। देखते हैं कि पुलिस की ये पहल कहां तक कामयाब होती है। हबीबनगर SHO पी मधुकर स्वामी ने रोड़ी शीटरों की काउंसलिंग की और ये रोड़ी शीटर को समझाया कि अगर एक भी कंप्लेंट नहीं आता है तो पुलिस उनकी रोड़ी शीट क्लोज करेगी। जो हबीबनगर SHO की सोच है, एक माशरे में और एक सोसाइटी में एक बदलाव लाने की सोच है। हम भी उनकी सोच से सहमत है, लेकिन क्या ये रोड़ी शीटर अपने आप को बदलेंगे, ये सब में बड़ा सवाल है। क्योंकि सारे रोड़ी शीटर ये माने हैं कि हमसे छोटे छोटे गलतियां हो रहे हैं, हम आगे चल के अच्छी जिंदगी गुजारेंगे और किसी को शिकायत का मौका नहीं देंगे। देखना है कि हबीबनगर SHO की ये पहल क्या लाती है। हम भी उम्मीद करते हैं कि सारे लोग अपने सारे बुरे काम छोड़कर अपनी जिंदगी सही गुजार लें, क्योंकि दुनिया में तो जो किए हैं उसकी तो सजा हो या ना हो, लेकिन अल्लाह के सामने तो पकड़ होगी। इसीलिए बेहतर यही है कि अपने आप को बदले और अपने घर वालों के साथ खुशहाल जिंदगी गुजारे। मोहम्मद अलीम के साथ मैं शेख रहमत अली, क्राइम टुडे न्यूज, हैदराबाद। लिमिट्स पे 26 रोड़ी हीटर्स है। अभी एक साल में अच्छा लाइफ गुजार रही है, कोई केसेस में इन्वॉल्वमेंट नहीं है, मगर इस 24 में 3-4 लोग छोटा छोटा पेटी ऑफेंसेस में इन्वॉल्व हुआ था, वो सही है। मगर जो कुछ इससे पहले उनका लाइफ स्टाइल है वो बदल गया, अभी अच्छा नॉर्मल लाइफ उन लोग लीड कर रहे हैं। खासकर ये टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट होने के बाद और फ्रेंडली पुलिस आने के बाद पुलिस से इंट्रैक्शन भी उससे ज़्यादा हो गया, उसके लिए उनका लाइफ छोड़ दे के, उनका लाइफ जो कुछ पुराना ज़िंदगी है वो छोड़ दे के अच्छा नॉर्मल लाइफ उन लोग लीड कर रहे हैं। अभी तक एक साल में एक मस्जिद एक पेट्टी केस में इन्वॉल्व हुआ, वो भी बिल्कुल एक फैमिली का मैटर में पेट्टी केस में इन्वॉल्व हुआ। एक तब्रेज का रोड़ी शीटर भी एक केस में इन्वॉल्व हुआ था, उसको छोड़ के लतीफ़ अब रोड़ी शीटर है, उन्हें भी एक इशू में इन्वॉल्व हुआ, और बोकुड़ दीपक इन्हें भी थोड़ा पी के छोटा केस में इन्वॉल्व हुआ। अगर 24 में एक चार लोग एक पेटी केसेस में इन्वॉल्व हुआ एक साल में, मगर एक मेजर इश्यूज नहीं होता, एक छोटा छोटा ऑफेंस में इन्वॉल्व हुआ, वो भी अभी सुधर गया, वो भी अभी नहीं कर रहे, उनका लाइफ स्टाइल चेंज होके अभी नॉर्मल लाइफ लीड करने के लिए उन लोग अभी सोच रहे, सोसाइटी भी एक्सेप्ट कर रहे हैं उसके लिए, इसका ज़िंदगी बदलने के लिए आज भी उन लोगों से मीटिंग एक काउंसलिंग यहाँ पर रख रहे हैं। उन लोगों का आवाज़ क्या हो सकते अपन सुनेंगे। सही पूछे थे, अभी अपने तरफ से एक अनीफ का रोड़ी शीटर कई सालों से उनका एक केस में इन्वॉल्वमेंट नहीं है, उसका रोड़ी शीट क्लोज करने के लिए प्रपोजल्स भी भेज दिए थे, अभी हेड ऑफिस में वो पेंडिंग है। अभी कई रोड़ी शीटर 10 साल से भी कोई केसेस में इन्वॉल्वमेंट नहीं है, कोई 15 साल में इन्वॉल्वमेंट नहीं है, उन लोगों का जो कुछ ट्रैक रिकॉर्ड देख रहे वो उन लोगों का पूरे लोगों के लिए जो कुछ 10 साल से भी कुछ पेटी ऑफेंस में नहीं है तो जरूर उनके लिए क्लोज के लिए यहाँ पर यहाँ से रिकमेंड करके वो भेज दूंगा। बोल तो रोड़ी शीटर का नाम लेके उसका एसोसिएट्स बोल के उन लोगों का खुद एक्सपोज करके ऐसा चीज़ में थोड़े लोग यूज़ कर ले, रोड़ी शीटर का नाम यूज़ कर ले रहे, मगर रोड़ी शीटर के ऊपर पूरा सर्वेलेंस है, उसके घर के पास पूरा CC कैमराज लगाया था, उनका टेलीफोन रिकॉर्ड ट्रैक कर रहे हैं। सो सब कुछ टेक्नोलॉजी बहुत बढ़ के टेक्नोलॉजी यूज़ कर लेके उसका कोई इन्वॉल्वमेंट है तो किसी हाल में उनको अच्छा पनिशमेंट ला के तरफ से पनिशमेंट देने के लिए पुलिस रेडी है। सच की तलाश का नाम आपका अपना क्राइम टुडे न्यूज़।